अव्यवस्थित कार्य। विधि एकदम सरल है, ये बहुत साधारण है, फिर भी ये जीवन के आसुत प्रयासों को दर्शाता है। वो व्यक्ति जिसने लाखों लोगों को सफलता का मंत्र दिया, जॉन जॉनसन। आज शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो नेपोलियन हिल तथा उनके सफलता के सिद्धांत से परिचित ना हो। दुनिया भर में फैले लाखों पाठकों ने उनकी शिक्षाओं को पढ़ा और उनसे लाभ उठाया है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपने लेखक की विशाल व्यक्तिगत सफलता से अवगत होंगे। एक व्यक्ति जिसने अपनी विशिष्ट सोच के बल पर कस्बाई स्तर से प्रगति कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना मुकाम हासिल किया। वो व्यक्ति जिसने लाखों लोगों को सफलता का मंत्र दिया। इस अंक में हम उस व्यक्ति का विलक्षण जीवन वृत्त जानेंगे और ये भी कि किस प्रकार उनका मौलिक मंत्र आपके जीवन में सफलता ला सकता है। सन 1933 में फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट के इस गुंजायमान उद्घोष को सुनते ही सारे अमेरिकावासी प्रेरित एवं सक्रिय हो उठे। सिवाय भय के हमें और किसी बात का भय नहीं है। इस वक्तव्य ने सभी जगह लोगों को अचंभित कर दिया था, लोगों में व्याप्त भय और घबराहट पर विराम लगाया था। वो भय जिसने अमरीकी अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया था और उस समय की अमरीकी सरकार की नींव को हिला रखा था। जिस समय राष्ट्रपति इन शब्दों को बोल रहे थे, एक व्यक्ति उन्हें बड़ी आत्मतृप्ति के साथ सुन रहा था। ये व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में लोगों को शब्द एवं विचारों की आपूर्ति करने में माहिर था। यही उसका जीवन कार्य था। उनके द्वारा व्यक्त विचारों के इस्तेमाल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ही वस्तुतः सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम थे। गोपनीय सलाहकार के रूप में उनके विचार अन्य लोगों को लाभान्वित करने की राह में एक मील का पत्थर साबित हुए। ये अदृश्य व्यक्ति था नेपोलियन हिल। इन्हें थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू रेज योर ओन सैलरी तथा अन्य श्रेष्ठ कृतियों के सफल रचयिता के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन जो लोग इनकी बातों में निहित वास्तविक संदेश को समझने में सक्षम होते हैं, उनके लिए वे मात्र एक लेखक अथवा रचयिता नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर हैं। लेखन तो केवल वो माध्यम है जिसके जरिए उन्होंने लाखों लोगों को अपने भीतर के सत्य और शक्ति को पहचानने योग्य बनाया। ये शक्तियां क्या हैं? संक्षेप में कहा जाए तो इसके अंतर्गत आते हैं मानवीय प्रज्ञा एवं योग्यता के विशाल और अनछुए भंडार। अधिकतम ताकत के साथ इन शक्तियों को अनावृत करने वाले सूत्र के सृजन तथा दैनिक जीवन में इनका उपयोग कैसे किया जाए, ये सिखाने के लिए हिल ने अपना जीवन समर्पित किया है। 65 वर्षीय नेपोलियन हिल की आवाज को दुनिया के हर कोने में सुना गया है और इसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली रहा है। 20 अन्य राष्ट्रों के लाखों लोगों ने इनकी पुस्तकें पढ़ी हैं। यहां तक कि दूर स्थित भारत देश में भी इनकी कृतियों ने हलचल मचा दी है। महात्मा गांधी के प्रभाव के जरिए मुंबई का एक प्रकाशक हिल की सफलता से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन एवं वितरण करता है। ब्राजील में उनकी पुस्तकों का पुर्तगाली भाषा में अनुवाद एवं प्रकाशन किया गया है और उनकी एक सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के विशेष संस्करण का प्रकाशन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ और उसका वितरण संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। यद्यपि इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 1937 में संयुक्त राज्य में हुआ था, ये अब भी संयुक्त राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ कृति है तथा मालिकों ने बड़ी संख्या में इसकी प्रतियां खरीदकर अपने कर्मचारियों को उपहार स्वरूप भेंट की हैं। नेपोलियन हिल ने सफलता के सूत्र की खोज अपने जीवन में बहुत जल्द शुरू कर दी थी। जब उन्हें इस सूत्र को खोजने में सफलता मिल गई तो उन्होंने अपने ज्ञान को उन लाखों लोगों के साथ साझा किया जो अपने दुर्बोध के धुंधलके में ढके रहते। ऐसा करने के पीछे उनकी प्रेरणा का स्रोत है उनका अविश्वसनीय जीवन वृत्त। वे वर्जीनिया के एक गरीब पर्वतारोही के पुत्र थे और लगता था कि अज्ञानता की जकड़न में भटकते हुए जीवन व्यतीत कर देना ही शायद उनकी नियति रही होगी। चेहरे पर एक मुस्कान के साथ वे कहते हैं,
निरर्थक गल्प, निष्क्रियता, अशिक्षा तथा घातक पारिवारिक झगड़े हमारे समुदाय के प्रमुख कार्य थे और हमारे घरों में प्रायः टूटे हुए जहाजों की लकड़ी के बने हुए खोखे अथवा गंदगी युक्त फर्श हुआ करते थे। हिल्स परिवार का निवास स्थान उपर्युक्त में से दूसरी श्रेणी का था। जब उनकी मां का देहांत हुआ था तब नेपोलियन महज एक बालक ही थे। उनका ये नाम उनके अमीर परदादा के सम्मान स्वरूप उनके नाम पर रखा गया था। इस आघात का गंभीर प्रभाव हुआ। संभवतः इस आघात के चिन्हों को छिपाने के लिए उन्होंने वाइज काउंटी में सुदृढ़ बालक बनने की महारत हासिल की। वे इसे अपने सम्मान का द्योतक मानते थे कि तभी उनके पिता उनके लिए एक सौतेली माँ ले आए। नई नवेली श्रीमती हिल ने उस गृहस्थी को एक नई ताजगी प्रदान की। चूंकि वे पर्वतारोही समुदाय से नहीं थीं, अतः उन्होंने यहां जो भी देखा उससे काफी क्षुब्ध हुई तथा यहां की व्यवस्थाओं को बदलने का निश्चय किया। नेपोलियन जो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या हो सकते थे, प्रतिकूलता में भी उनके लिए सबसे बड़ी विजय सिद्ध हुए। उनसे मेरा परिचय सबसे दुष्ट बालक के रूप में कराया गया था। ख्याति प्राप्त सफलता विज्ञानी याद करते हुए कहते हैं, लेकिन मेरी सौतेली मां ने मुझे एक नजर देखा और कहा, ये दुष्ट बालक नहीं है, ये वो लड़का है जो ये नहीं जान पाया है कि अपनी बुद्धिमानी को सृजनात्मक दिशा कैसे दी जाए। एक अर्थ में ये शब्द उस दर्शन का अवलंब थे जिसे उन्हें आने वाले दशकों में प्रतिपादित करना था। श्रीमती हिल उनके मार्गदर्शन में प्रकाश पुंज बनी। अपनी दहेज पूंजी का उपयोग कर उन्होंने अपने पति को स्कूल भेजा और तब तक चैन से नहीं बैठी जब तक वे एक सफल दंत रोग चिकित्सक नहीं बन गए। उनके ही दृढ़ निश्चय से नेपोलियन एवं उनके छोटे भाई का जीवन बर्बाद होने से बच गया और उन्हें कुछ बनने का एक अवसर मिला। भविष्य में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने वाले उस बालक ने 12 वर्ष की आयु में ग्रेड स्कूल की शिक्षा पूरी की। 14 वर्ष की आयु में वो बालक 15 समाचार पत्रों का अंशकालिक रिपोर्टर बना और 15 वर्ष की आयु में उसने हाई स्कूल की शिक्षा पूरी कर वर्जीनिया प्रांत के टेजवेल में एक बिजनेस कॉलेज में प्रवेश लिया। जैसे जैसे उसके क्षितिज का विस्तार हुआ उसे अज्ञानता से चिढ़ होने लगी और उत्तरोत्तर विकास करने का निश्चय दृढ़ होने लगा। कॉलेज की शिक्षा समाप्त करने पर उन्हें एक बड़े वकील के यहां नौकरी मिल गई। 16 वर्षीय इस अल्हड़ युवक ने अपने संपर्कों को किस प्रकार प्रबंधित किया ये साहस एवं दूरदर्शिता की गाथा है। उसने विचार किया कि पहली नौकरी अत्यंत महत्वपूर्ण है, अच्छी शुरुआत अत्यंत आवश्यक है तथा इस बिंदु पर पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तदनुसार उन्होंने वर्जीनिया के पूर्व अटॉर्नी जनरल तथा प्रांत के एक प्रतिष्ठित लॉयर ए आयरिस को एक पत्र लिखा। उस पत्र का मजमू कुछ इस प्रकार था, मैंने हाल ही में बिजनेस कॉलेज का पाठ्यक्रम पूर्ण किया है तथा आपके सेक्रेटरी के रूप में कार्य करने का पूर्ण पात्र हूं तथा जिसके लिए मैं अत्यधिक उत्साहित हूं। चूंकि मेरे पास कोई पूर्व अनुभव नहीं है, अतः मैं जानता हूं कि आपके साथ कार्य करना मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा न कि आपके लिए। इस कारण मैं चाहता हूं कि काम करने के लिए मिले इस अवसर के लिए मैं आपको कुछ शुल्क अदा करूं। जो उचित लगे आप वो शुल्क मुझ पर लगा सकते हैं, बशर्ते वो राशि 3 महीनों के अंत में मेरा वेतन बन जाएगी। जो राशि मुझे अदा करनी है वो नौकरी लग जाने पर मेरे वेतन से काट ली जाए। हिल याद करते हुए कहते हैं कि जनरल ऑपरेस के मन को मेरे पत्र ने ऐसा छुआ कि उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया। उस विख्यात वकील ने पहले माह के अंत से ही उसे नियमित वेतन देना शुरू कर दिया और जल्द ही वो युवक उनका विश्वस्त बन गया। विधि कार्य से हिल इतना प्रभावित हुए कि एक बार तो उन्होंने इसे ही अपनी जीवनचर्या बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जब वे 18 साल के थे तब उन्होंने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल से मैट्रिकुलेशन करने का निश्चय किया ताकि बार काउंसिल के लिए पात्रता हासिल कर सके। इसके लिए बड़े दमखम की जरूरत थी। अपनी शिक्षा के लिए उनके पास वित्तीय व्यवस्था नहीं थी। बहरहाल उन्हें एक उपाय सूझा। चूंकि वे अखबारों के लिए लिखकर पैसा कमा चुके थे
उन्हें लगा कि वे ऐसा फिर कर सकते हैं। इस बार उन्होंने विशिष्ट रूप से सफल हुए लोगों की आत्मकथात्मक कहानियां लिखने के बारे में सोचा, ऐसी कहानियां जो उस समय कई पत्रिकाएं प्रकाशित कर रही थीं। हिल की मानव रूप में सफलता से भेंट। अपने प्रथम चरण के रूप में हिल टेनेसी के सेनेटर बॉब टेलर के पास मुलाकात करने पहुंचे। सेनेटर होने के अलावा टेलर उस समय की एक प्रमुख आवधिक पत्रिका के प्रकाशक भी थे। युवा हिल अपने लेखन के जरिए एक नियमित आय का आश्वासन चाहते थे। उस युवा के उत्साह से प्रभावित होकर टेलर ने उन्हें कुछ ऐसे श्रेष्ठ लोगों के लिए उसे परिचय पत्र देने का प्रस्ताव रखा जो उनके भावी लेखों के लिए अच्छी विषय वस्तु प्रमाणित हो सकते थे। जब उनकी बातचीत समाप्त हुई, हिल की सूची में थे थॉमस एडिसन, व्यापारियों के राजकुमार जॉन वॉनमेकर, लेडीज होम जर्नल के प्रकाशक एडवर्ड बॉक, सैटरडे इवनिंग पोस्ट के प्रकाशक साइरस एच के कर्टिस, टेलीफोन के आविष्कारक डॉक्टर एलेक्जेंडर ग्राहम बेल तथा महान इस्पात उद्यमी एंड्रयू कार्नेगी। अपने नए संपर्कों की भावी संभावना से चकाचौंध हिल ने अपने विधि अध्ययन को दरकिनार किया और अपने आप को पत्रकारिता में झोंक दिया। उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने मानवीय इतिहास में सर्वाधिक शक्तिशाली औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लिया। पिट्सबर्ग के एक दौरे के तुरंत बाद हिल सीधे कार्नेगी के कार्यालय में पहुंचे। मैग्नेट के बारे में बातें करते हुए उन्होंने 3 घंटे बिता दिए। इतनी बातचीत के बाद इस युवा से अत्यधिक प्रभावित कार्नेगी ने उसे अपने घर पर आमंत्रित किया। उनकी बातचीत 3 दिन तक जारी रही। अपनी विकास गाथा को सुनाते सुनाते किसी समय एक अनजान धरती पर धनहीन रहे कार्नेगी ने हिल से कहा कि दुनिया को उस जैसे लोगों की जानकारियों पर आधारित सफलता के दर्शन की आवश्यकता है जिन लोगों ने अपने प्रयत्नों और त्रुटियों से जीवन भर अनुभवों द्वारा ज्ञान हासिल किया। दुनिया को एक ऐसे खाके की जरूरत है जिसकी मदद से लोग अपनी योग्यता का अधिकतम उपयोग कर सके। ये कार्य लंबा और दुष्कर हो सकता था, यह थकावट भरा भी हो सकता था और लंबे समय तक प्रतिफल ना देने वाला भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा, किसी को तो इस काम को करने का जोखिम लेना ही पड़ेगा। बातचीत के 3रे दिन अंत में कार्नेगी अपने युवा साक्षात्कर्ता से अचानक पूछ बैठे, क्या तुम इस काम के लिए अपने जीवन के 20 वर्ष लगाना चाहोगे? केवल हां या ना में उत्तर देना। सोचने के लिए आवश्यक समय लो, जब निर्णय कर लो तो बता देना। वो उत्तर जिसने उन्हें मालामाल कर दिया। हिल आश्चर्यचकित रह गए। कुछ ही क्षणों में 19 वर्षीय उस युवा ने बिना सोचे समझे कह दिया, हां मैं ये काम करूंगा और इस काम को पूरा करने के लिए आप मुझ पर निर्भर कर सकते हैं। कार्नेगी ने अपने हाथ की घड़ी निकाली और हिल को दिखाते हुए बोले, तुमने निर्णय लेने में केवल 29 सेकंड लगाए, मैं तुम्हें निर्णय लेने के लिए 60 सेकंड का समय दे रहा था। बाद में हिल को इस बात का पता चला कि इस विख्यात उद्योगपति ने 250 और लोगों को भी इस कार्य को करने की सलाह दी थी, लेकिन केवल हिल ही उनकी कसौटी पर खरे उतरे। इस प्रकार नेपोलियन हिल ने अपने जीवन का चिरस्मरणीय कार्य आरंभ किया। सफलता के दर्शन जैसे अद्भुत विषय पर अपने विचारों का संयोजन इस दर्शन विचार का, जैसा कि कार्नेगी ने पहले ही कह रखा था, 20 वर्षों बाद प्रकाशन हुआ। बाद में लाखों लोगों ने इसे पढ़ा। हिल ने अपने कार्य की शुरुआत देश के 500 सर्वाधिक सफल लोगों के जीवन के गहन अध्ययन से की थी, जिसमें सबसे पहले हेनरी फोर्ड के बारे में उस समय जानकारी प्राप्त की जब प्रसिद्ध टी मॉडल ऑटोमोबाइल अस्तित्व में आया ही था। कार्नेगी ने सर्वोच्च शिखर पर बैठे इन लोगों से मिलने के लिए परिचय पत्र देकर हिल की सहायता की। इनमें शामिल थे हेनरी फोर्ड, विलियम रिडले तथा इसी स्तर के अन्य लोग। यद्यपि इन महान लोगों ने सूचनाएं जानकारियां देने में हिल का पूरा सहयोग किया, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ विशेष सहयोग नहीं किया। उन वर्षों के दौरान जब वे सफलता के सिद्धांतों को परख रहे थे, उनके जीवन में अनेक मोड़ आए।
सफलता एवं असफलता की कड़ाही में अनुभव और प्रयत्नों के सम्मिश्रण से जो चीज बनकर सामने आई वो थी सफलता के सिद्धांत। सन 1910 में विवाह उपरांत जब वे पश्चिम वर्जीनिया के लुम्बोपोर्ट स्थित अपनी पत्नी के परिवार से मिलने गए, तभी उनके जीवन में तेजी से तरक्की हुई। वहां के लोग पास की नदी पर पुल के अभाव में आने जाने के लिए परेशान थे। उस युवक ने कार्नेगी की दी हुई सीख का इस्तेमाल करते हुए वहां के लोक अधिकारियों तथा व्यवसायियों से संपर्क किया, उन्हें इस परियोजना से होने वाले लाभ के बारे में समझाया और $1,00,000 से भी ज्यादा की राशि जुटाने के लिए राजी कर लिया तथा कस्बे का बहुप्रतीक्षित पुल बनकर तैयार हो गया। इसके अलावा पुल के बनने से रेलवे यातायात कस्बे से जुड़ गया और इसके साथ ही संपन्नता के नए आयाम खुल गए, जिससे हिल और उनकी पत्नी के रिश्तेदार शीघ्र ही संपन्न हो गए। प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए एक कंपनी का गठन किया गया और ये इतनी लाभकारी साबित हुई कि उसके बाद से हिल को सारी आर्थिक परेशानियों से राहत मिल गई कि उन्होंने अपने तीनों बेटों को अध्ययन के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी तक भेजा। 44 वर्षों के दौरान किए गए प्रयासों ने उनके व्यवसाय में इतना योगदान दिया कि उनकी आय $1,00,000 की हो गई और अब इस व्यवसाय को उनका सबसे बड़ा बेटा संभाल रहा है। सफलता के 10 नियम। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये सब कैसे किया, तब हिल ने अपने अनुसंधान को शुरू करने के लिए कार्नेगी द्वारा सुझाए गए सफलता के 10 सूत्रों की व्याख्या कर डाली। पहला, निश्चित उद्देश्य, एक बड़े लक्ष्य को निर्धारित करना। दूसरा, उत्तम गठजोड़, ऐसे लोगों के साथ काम करना एवं संपर्क बनाना जिनके पास वो सब कुछ है जो आपके पास ना हो। तीसरा, अतिरिक्त प्रयास, अपेक्षित प्रयासों से कुछ अधिक प्रयास ही आपकी प्रगति को न्यायोचित ठहरा सकते हैं तथा लोगों को आपके प्रति कृतज्ञ बना सकते हैं। चौथा, सक्रिय विश्वास, ऐसा विश्वास जिसके पीछे क्रियाशीलता हो। पांचवा, व्यक्तिगत कार्य, वो करें जिसे करने के लिए किसी को आपको बताने की आवश्यकता ना पड़े। छठा, कल्पना, जो कुछ संभव हो उसे करने का साहस। सातवा, उत्साह, शीघ्र फैलने वाला गुण जो उत्साही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आठवा, सटीक सोच, कल्पनाओं से तथ्यों को अलग करने की योग्यता और उस योग्यता का अपनी समस्याओं को हल करने में उपयोग। नौवा, एकाग्र प्रयास, अपने लक्ष्य से विचलित न होना। दसवां, विपरीत परिस्थिति से लाभ उठाना, ये स्मरण करते हुए कि हर असफलता में सफलता के बीज छिपे होते हैं। उनकी सफलता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और एक अग्रणी पत्राचार पाठ्यक्रम वाली संस्था ने उन्हें $15,000 प्रति वर्ष के आकर्षक वेतन एवं कमीशन पर निदेशक के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा, जो उस समय को देखते हुए अच्छी खासी रकम थी। 2 वर्षों में वे इस फर्म को $1,00,000 की पूंजी तक ले आए तथा फर्म को इस योग्य बना दिया कि उसने और कई कार्य प्रारंभ कर दिए। हिल ने फिर स्वयं का स्कूल चलाने का निश्चय किया और अगले 2 वर्ष विज्ञापन के अध्यापन में बिताए। सफलता का दर्शन अभी उनके मन में आकार ले रहा था तथा उनके रोजमर्रा के कार्यों में उसका परीक्षण भी हो रहा था और फिर ये कारगर रहा।